टाटा एरोस्पेस को मोदी सरकार एक अलग ही रुतबा देती है। अब टाटा कंपनी का पंख लगाकर उड़ने का समय आ गया है। पिछले कई सालों से टाटा कंपनी अपाचे AH-64, S-92, F-21 आदि काफी हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स के पार्ट्स बना रही है। टाटा चेयरमैन नटराजन चंद्रसेकरन की अक्टूबर 2022 की बड़ौदा में एयरबस C-295 के भूमि पूजन पर स्पीच ने क्लियर कर दिया था कि टाटा एरोस्पेस में काफी बड़ा एक्शन करना चाह रहा है और कमिट किया कि वो धौलेरा में एक लार्ज स्केल हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करेंगे। टाटा ग्रुप इन एडिशन टू एस्टैब्लिशिंग द फैसिलिटी हियर इन बड़ौदा विल एस्टैब्लिश a very large scale aerospace and high tech manufacturing facility in Dholera. टाटा ने रिसेंटली जर्मनी से पूरा प्लेन ग्रॉब जी 180 के बनने के राइट्स ले लिए हैं। इस प्लेन और एयरबस C-295 दोनों ही पूरे फुल बॉडी प्लेन्स का निर्माण इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में टाटा करेगा। टेस्टिंग आदि के लिए एयरपोर्ट का फैक्ट्री के पास होना जरूरी है। किसी भी पुराने शहर में आप इतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं बना सकते। शायद इसीलिए C-295 के बड़ौदा भूमि पूजन के 4 महीने बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एयरबस C-295 का काम धौलेरा में ही होने की बात करी है। एयरबस प्लान्स टू मैन्युफैक्चर C-295 एयरक्राफ्ट्स इन धौलेरा एंड गुजरात सूनर। दे हैव टाइड इट ऑल अप सो दैट मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो गोइंग टू हैपन हियर।